अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नुमाना लोधी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू यूज मीनिंग और पर्पस। तो इसकी टाइप्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज सेंटेंसेस आर टर्म्ड एज डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैड अ मिस्टेक, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने डेक्लेरेटिव और असर्टिव टू को उनको सेपरेट लिख दिया था पार्ट्स में इन द लास्ट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो डेक्लेरेटिव एंड असर्टिव दीज आर द सेम टाइप्स, दीज आर टू नेम्स ऑफ द सेम टाइप। डेक्लेरेटिव असर्टिव एक ही टाइप के दो नेम थे और उसमें से मैंने इम्पेरेटिव को मिस कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। एंड आई हैव ऑल्सो पुट द वन द फिफ्थ वन दैट इज द ऑप्टेटिव, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में बताऊँगी। डेक्लेरेटिव सेंटेंस, इन अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप इन राइटिंग एंड अ ड्रॉप इन पिच इन स्पीच। डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट जो है वो आता है और उसके बाद वर्ब आता है और फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है सेंटेंस में, ये तो ऑलमोस्ट सब में ही होता है, और एंड में फुल स्टॉप और पीरियड पुट किया जाता है इन राइटिंग लिखने में। और जाहिर है जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं सेंटेंस एक, तो उसमें एंड में आप जहाँ पे फुल स्टॉप होता है वहाँ थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं या रुक जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आर डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस इन विच असर्ट्स और डिक्लेयर्स अ स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट और एनीथिंग एल्स। ये कैसा सेंटेंस होता है जिसमें आपको कुछ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, कोई आइडिया मिलता है या कोई फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है। The examples of declarative sentences are: students study their lessons, he is the owner of the lot where our house stands, I am a teacher, the sun rises in the east. Let me tell you another thing about it, that the assertive or declarative sentences, they are of two types. One is the positive while the other is the negative. अब ये जो sentences examples है ये सारे positive हैं और इसमें जो है वो बात जो है वो इसमें बात जो है वो statement बताई गई है simple, जबकि इसी में declarative जो है उसी में negative भी जो है वो इसी type में शामिल किए गए हैं। सपोज के मैं इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव बना दूंगी तो फिर ये भी डिक्लेरेटिव और असर्टिव ही होंगे। स्टूडेंट्स स्टडी देयर लेसन्स, स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी देयर लेसन्स। ही इज़ द ऑनर ऑफ द लॉट वेयर आर हाउस स्टैंड्स, ही इज़ नॉट द ऑनर ऑफ द लॉट वेयर आर हाउस स्टैंड्स। आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। तो इसको अगर नेगेटिव बना लेंगे व्हेन देयर इज द डिनाइल ऑफ द स्टेटमेंट तो उसको आप नेगेटिव कहेंगे, तो नेगेटिव जो है वो इसी में शामिल है। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज वन विच एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, कमांड और एन ऑर्डर। इम्पेरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कोई दरख्वास्त की गई हो या कोई हुक्म दिया गया हो। An imperative sentence starts with a capital letter and ends with a period. Generally, the subject is not mentioned and only the predicate is expressed. Yes, इसमें डिफरेंस ये है कि इस सेंटेंस में बाकी तो ऑलमोस्ट सब में आपको जो है वो ऑलमोस्ट आपको सब्जेक्ट मिलेगा, बट इन दिस सेंटेंस, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू हैव द प्रेडिकेट बट नॉट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट मीन्स यानी उसमें वर्ब और साथ और वर्ड्स आ जाएंगे, तो वर्ब जो है एक्शन जो है वो तो हो रहा है। लेट अस सी द एग्जांपल्स।
of imperative sentences. Go to school. Please close the door. Tell me who he is. Kindly lend me your book. Please call your sister. अब इन दीज सेंटेंसेज यू कैन सी के देर आर द वर्ब्स. वर्ब्स तो यूज़ हुए हैं, गो, क्लोज, टेल, लेंड, कॉल. ये सारे एक्शन वर्ड हैं या वर्ब्स हैं जहाँ पे कोई काम फेल हो रहा है. और प्लीज़ और काइंडली जो हैं ये शो करते हैं कि ये इन सेंटेंसेस में कोई रिक्वेस्ट की जा रही है. लेकिन यहाँ पे जो है आप डिफरेंस ये है विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू कैन सी देयर इज द सब्जेक्ट इज़ नॉट विजिबल. यहाँ पे जो काम करने वाला है, फाइल है, वो विजिबल नहीं है, वो हिडन है. यानी काम तो कोई कर रहा है जिसे कहा जा रहा है कि स्कूल जाओ. इट मीन्स के वन द पर्सन इज़ प्रेजेंट हु द स्टूडेंट हु हैज़ टू गो टू स्कूल, जिसने स्कूल जाना है. लेकिन इसमें सेंटेंस में रिटर्न में मेंशन नहीं है. तो इन सेंटेंसेस में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, द सब्जेक्ट इज़ हिडन यानी छुपा हुआ है और विजिबल नहीं है, जबकि वर्ब जो है वो विजिबल है. व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज वन दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको सवालिया जुमले भी कहा जाता है और उसमें एक सवाल पूछा जाता है. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विद एन आस्किंग वर्ड विद द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल एंड ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. यस, ये सेंटेंस वो होते हैं जो स्टार्ट किसी सवाल से होते हैं और उनके एंड में आपको फुल स्टॉप या पीरियड नज़र नहीं आएगा, बल्कि एंडिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क से होगी, सवालिया निशान. नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. डू यू नो हाउ टू राइट अ पोएम? डिड द चाइल्ड ईट हिज डिनर? व्हाई डिड यू कम लेट? हैव यू रिसीव्ड माई गिफ्ट? Where do you live? Yes. अब इनमें sentences में आप देखिए कि इसमें जो है वो end में हमेशा question mark नज़र आ रहा है आपको. Start जो है वो किसी question word से हो रहा है या helping verb से. Helping verb जब start में आता है तो वो सवाल बना देता है. Do, did, have. स्टार्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेंटेंसेस जो हैं इनके स्टार्ट में जो है ये यूज़ हुए हैं. दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स का एक और नेम होता है ऑक्सिलरी, AUXILIARY. ऑक्सिलरी भी कहते हैं इन्हें और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. इनका ये नेम इसलिए होता है बिकॉज दीज वर्ड्स हेल्प द मेन वर्ब. जो असल एक्शन हो रहा है जहाँ पे, वो उसकी हेल्प करते हैं. और हेल्पिंग वर्ब का एक और जो है, इसका एक और पर्पज़ इनको यूज़ करने का ये भी होता है कि इससे हमें उस सेंटेंस के टेंस का पता चलता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. लाइक फर्स्ट सेंटेंस में डू है, तो डू डज जो है वो शो करते हैं कि दिस इज़ दी प्रेजेंट टेंस. और डिड जो है ये शो कर रहा है पास्ट टेंस को. हैव जो है ये शो कर रहा है अगेन पास्ट को, पास्ट परफेक्ट को, सॉरी प्रेजेंट को, प्रेजेंट परफेक्ट को. तो मैं आपको और एग्जांपल्स दे देती हूँ हेल्पिंग वर्ब्स की. इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे जो हैं. और डू, डज, डिड, दीज आर ऑल दी हेल्पिंग वर्ब्स. दीज मे हेल्प द मेन वर्ब. तो इसके अलावा थर्ड और फिफ्थ सेंटेंस देखें, ये कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, वाई और वेयर से. तो वाई वेयर जो हैं ये कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जिससे सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है. ये भी स्टार्ट में पुट किए जाते हैं. जब स्टार्ट में आते हैं तो फिर ये सवाल बनाते हैं. तो इनको इसके अलावा क्वेश्चन वर्ड्स और हैं वाई वेयर के अलावा है व्हाट, व्हेन, और हाउ. यस, वो वाले क्वेश्चन वर्ड्स जो W से स्टार्ट होते हैं उनको W क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं. और हाउ इज़ अ वर्ड विच स्टार्ट्स विद H,
तो इन सबको मिला के, W वाले क्वेश्चन वर्ड्स को और हाउ को मिला के हम टोटल बोलते हैं WH वर्ड्स, WH क्वेश्चंस, और सबके एंड में जो है वो क्वेश्चन मार्क है। What is an exclamatory sentence? An exclamatory sentence is one which expresses a sudden or strong emotion or feeling such as happiness, sadness, anger, surprise, fear or excitement. यानी ये ऐसे वाले sentences या जुमले होते हैं जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा strong किस्म की feelings जो हैं या excitement जो है वो show की जाती है। feelings एहसास या emotions जो हैं वो खुशी के भी हो सकते हैं, दुख, गुस्सा, हैरानगी, खौफ या जोश, पुरजोश होना। Exclamatory sentence. An exclamatory sentence cannot be a single word. It usually begins with a capital letter and ends with an exclamation mark. Sometimes a period is used to lessen the force of the exclamation. Capital letter से शुरू होते हैं, start उससे होते हैं, ending जो है इनकी exclamatory mark से होती है। Exclamatory mark आपके सामने bracket में नज़र आ रहा है, वन और नीचे एक डॉट दिया गया है, और कभी कभी एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस है उसके एंड में पीरियड या फुल स्टॉप भी पुट कर दिया जाता है। वो क्यों किया जाता है ये नेक्स्ट सेंटेंसेस में मैं आपको बताती हूँ। व्हाट अ गुड डिनर दैट वाज, ओ माय गॉड, रन फॉर योर लाइफ जॉस, फॉरगिव मी मदर, आ हियर कम्स हिज वाइफ। नाउ यू कैन सी दे स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर और मोस्टली दे एंड विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क, लेकिन टू सेंटेंसेस इनमें से ऐसे हैं जो कि फुल स्टॉप जिनके एंड में दिया गया है। ओ माय गॉड, आ हियर कम्स हिज वाइफ। अब आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करें कि इनमें सेंटेंस के अंदर ही एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसलिए एंड में फिर उन्होंने दोबारा से रिपीट नहीं किया होता, एंड में पीरियड ही देते हैं यानी फुल स्टॉप। ओ इसके बाद है और आ इसके बाद है, तो इसमें जो है या तो जो है वो इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो हैं वो दिखाए गए हैं। आई होप कि यू वुड हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव लर्न परफेक्टली दीज टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। नाउ टेस्ट योर स्किल, टेल वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब ये सेंटेंसेस हैं, आपने ये देखना है, अपने आप को चेक करना है, सेल्फ असेसमेंट करनी है कि ये कौन सी टाइप है, यानी आपको समझ में आ गया है तो आप इनको बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आर यू अवेयर ऑफ द अपॉइंटमेंट टुमारो, इसमें स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से है, एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्लियरली इंटरोगेटिव है। टुडे इज़ माय बर्थडे, इट इज़ डिक्लेरेटिव और असर्टिव, यानी इसमें कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। गिव मी अ कप ऑफ टी, ये स्टार्ट जो है वो वर्ब से हो रहा है और इसमें सब्जेक्ट नहीं पता आपको तो हिडन है, तो दिस इज़ द इम्पेरेटिव, और आई हेट यू, दिस इज़ द एक्सक्लेमेटरी क्योंकि इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें भी आप देखें इसमें एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, और इसमें भी जो है इट इज़ सरप्राइज और वंडर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, ये एक इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या स्टेटमेंट है, तो दिस इज़ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाउ हियर आई फिनिश माई लेक्चर, एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस और दीज विच आर बेस्ड ऑन द मीनिंग और यूज optative sentence. I would explain it in my next lecture and also about the WH words in detail I would explain the second type of the sentences. Okay then, Allah Hafiz, thanks so much.